हमारे आसपास ऐसे कई जानवर होते हैं जिन्हें हम जहरीले जानवर मानते हैं। इन जानवरों का जहर हमारे लिए काफी खतरनाक होता है, खासकर स्नेक, फ्रॉग जैसे जानवरों में सबसे पॉइजनस जहर होता है। पॉइजनस एनिमल्स अपने पॉइजन का इस्तेमाल खुद की सुरक्षा के लिए करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जहरीले जानवरों का जहर उनके लिए हानिकारक क्यों नहीं होता है? अगर नहीं सोचा तो सोचिए कि क्या वजह होगी जहरीले स्नेक का जहर उसे मार नहीं देता है। आज के वीडियो में हम इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानते हैं कि कैसे जहरीले जानवरों का जहर उनके लिए हानिकारक नहीं होता है। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रॉग, स्नेक्स के सिवा बीटल, सेलेमेंडर, जेलीफिश जैसे जानवरों में भी जहर होता है। इन जानवरों के शरीर में होने वाला जहर कुदरत की तरफ से दिया गया है, जिसका इस्तेमाल बाकी जानवर या इंसानों से सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। लेकिन कुदरत ने हर जानवर के शरीर में अलग अलग मैकेनिज्म्स बनाए हैं, जैसे कि जेलीफिश के टेंटिकल्स पे पॉइजन प्रेजेंट होता है। टेंटिकल्स पे नेमाटोसिस नाम के छोटे सेल्स होते हैं, जिससे पॉइजन प्रोड्यूस किया जाता है। कभी भी जेलीफिश के टेंटिकल्स को टच किया तो तुरंत इस सेल से पॉइजन छोड़ते हैं। काफी बार जेलीफिश का डंक बहुत दर्द देता है, कभी कभी जेलीफिश के डंक से जान भी जाती है। दूसरे पॉइजनस जानवर की बात करें तो वो है फ्रॉग। ज्यादातर सभी फ्रॉग जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन डार्ट फ्रॉग सबसे जहरीला फ्रॉग है। डार्ट फ्रॉग में एल्कलॉइड्स नाम का केमिकल कंपाउंड होता है। एंट्स, इंसेक्ट्स खाने से ये कंपाउंड पावरफुल होता है, अपने बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म से खुद को उस जहर से प्रोटेक्टेड रखते हैं। जैसे जेलीफिश के टेंटिकल्स और फ्रॉग के बॉडी में जहर होता है, वैसे स्नेक्स के मुंह में स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसीलिए स्नेक्स फैंग्स यानी जहरीले दांत से अटैक करते हैं। लेकिन रैटल स्नेक्स और वाइपर स्नेक्स में स्पेशल प्रोटीन होता है, जिससे जहर को ब्लड में इनएक्टिवेट करके रखते हैं। इस तरह से जहरीले जानवरों के शरीर में अलग अलग बॉडी मैकेनिज्म्स होते हैं, जिस कारण उनके शरीर का जहर खुद के लिए हानिकारक नहीं होता है। अपने जहर का इस्तेमाल सिर्फ खुद की सुरक्षा के लिए ही करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारी चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।